ये हमारे मालवा का गराड़ू, ये दो भाग, ये बड़े बड़े होते हैं, ये देखिए ये ऐसा था, ये इसका मैंने आधा काट लिया है और इसको छील लिया है। इसको हम काटेंगे और इससे हम जो भी डिश बनाएंगे वो आप देखेंगे अभी। हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत इजी हो जाता है, एकदम सॉफ्ट है मक्खन की तरह। ये देखिए कितना इजी हो गए हैं। अब इस ऑयल भी हमारा गरम हो चुका है। अच्छा, तेज गरम रखना है, बस ये इनको हमें डाल देना है। धीरे धीरे डालना है। अब इनको थोड़ी सी देर फ्राई करना है, निकालना है। इनको एक बार फिर से हम फ्राई करेंगे ठंडा होने पे, इससे इनका क्रिस्प ज्यादा आएगा। था तल के, अब इसको फिर से हम करेंगे और इसको तब तक करेंगे जब तक ये क्रिस्प हो जाए। लगे हैं, कलर भी चेंज हो गया इनका, आवाज भी आने लगी टन टन, ऐसे आवाज आना चाहिए। हमारे गराड़ू अब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर थोड़ा, और आप जिस हिसाब से खाना चाहते हैं वैसे डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर स्वाद अनुसार, काला नमक स्वाद अनुसार जितना आप पसंद करते हैं, और चाट मसाला। ये बाजार में पैकेट मिलते हैं चाट मसाले के, वरना आप घर में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काला नमक डालो, काली मिर्च डालो, जीरा डालो, चाट मसाला तैयार है। और अब हम इसमें डालेंगे मेन सुपर हीरो नींबू। नींबू ही इसका सुपर हीरो है। सर्दियों के दिन है, ताकत नहीं लग रही है। ये बहुत खाने में टेस्टी तो है ही, साथ में इसमें आपको मिलेगा आयरन। इसमें बहुत मात्रा में आयरन होता है और फाइबर होता है, तो ये किसी भी उसे खाने के लिए बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कहीं से भी हानिकारक नहीं है। ये हो गया चटपटा हमारा गराड़ू चाट, और ये खाने के लिए तैयार हैं। टेस्ट आप टेस्ट करेंगे।